साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस है रमा, जिन्होंने 100 से अधिक दक्षिण भारतीय बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। हालांकि अब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है। एक दौर में रंभा सुपरहिट एक्ट्रेस थी, लेकिन शादी के बाद वो पूरी तरह से ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर हो गई है। लेकिन अभिनेत्री के होश तो तब उड़े जब उन्हें पता चला कि उन्होंने जिसे शादी की है वो पहले से ही शादीशुदा थे। हम यहाँ आपको अभिनेत्री की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। रंभा इस समय कनाडा में रह रही है और उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। रंभा ने 90 के दशक में बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया था। सलमान के साथ रंभा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन रंभा ने 20 साल पहले बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। फिर वो बंगाली और साउथ की फिल्मों में रम गई, लेकिन रंभा ने अपने करियर के पीक पर पहुंचकर शादी कर ली। उन्होंने 2010 में कनाडा के रहने वाले बिजनेसमैन इंदर कुमार पद्मनाथन से शादी की और कनाडा चलकर बस गई। रंभा के पति के कनाडा में एक फर्म है जो कि किचन और बाथरूम के पार्ट्स बनाती है। इस फर्म का नाम है मैजिक वुड्स। रंभा की दो बेटियां हैं और एक बेटा है और वो कनाडा में ही पढ़ते हैं। रंभा की बेटियों के नाम पद्मनाथन संभा और लावण्या पद्मनाथन है। वहीं रंभा के बेटे का नाम शिवीन है जो सबसे छोटा है। रंभा की पहली बेटी लावण्या का जन्म 2011 में हुआ था, जबकि दूसरी बेटी को एक्ट्रेस ने 2015 में जन्म दिया। वहीं रंभा ने 2018 में बेटी शिवीन को जन्म दिया। रंभा ने जब फिल्मों को अलविदा कहा था तो फैंस को बड़ा झटका लगा था। हर कोई हैरान था कि रंभा ने करियर के पीक पर फिल्में क्यों छोड़ दी। इसकी वजह रंभा ने 2009 में दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। रंभा ने कहा था कि नाम के लिए काम करने और काम के बाद भी कोई पहचान ना मिले तो ऐसे काम का क्या ही फायदा, इससे बेहतर है कि वो घर पर रहें और परिवार संभाले। रंभा ने बताया कि वो फैमिली के अलावा अपना प्रोडक्शन का काम भी संभाल रही हैं और बीच बीच में उन्होंने कुछ बंगाली और भोजपुरी फिल्में भी की हैं। रंभा ने बताया कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी जिंदगी और करियर में भी काफी उथल पुथल रही। रंभा के मुताबिक उन्होंने हिंदी फिल्मों में छोटे रोल किए थे। रंभा के मुताबिक उन्हें हिंदी फिल्मों में छोटे रोल मिल रहे थे, उनमें भी डिमांड की जाती थी कि वो वैश्या बने, लेकिन रंभा ने वो रोल और फिल्मों के ऑफर रिजेक्ट कर दिए। रंभा ने कहा था कि वो काम अच्छा करना चाहती थी, कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि जिससे बाद में जाकर उन्हें पछतावा हो। करियर के साथ साथ रंभा की निजी जिंदगी में भी काफी परेशानियां रही। बीच में उनके और उनके पति इंदर कुमार पद्मनाथन के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई। बात तलाक और बच्चों की कस्टडी तक पहुंच गई। हालांकि बाद में रंभा और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।